एमसीक्यू नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, वो आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप एज इट इज याद करें कि टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है, इसका एक और फॉर्मूला भी है जो इसी के अंदर थोड़ा सा एडिशन करने से बनता है। अब आप देखें, सीकेंट एक्स किस चीज का रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट एक्स रेसिप्रोकल होता है कॉस ऑफ एक्स का। तो अब जो है, हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कोशेंट लॉ, न्यूमिरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वन का नेचुरल लॉग क्या होता है? जीरो, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो याद रखिएगा, ये इसके बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज में कभी एक फॉर्मूला पूछा जाता है, कभी दोनों पूछे जाते हैं, और कभी जो है दूसरा वाला पूछा जाएगा आपसे। तो आपने देखना है कि मुझे किस पर टिक करना है। तो इन दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू। देखें एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको नोट की शक्ल में ये कंसेप्ट बता देता हूं, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। आप जरा देखें कि अगर मैं डेरिवेटिव लू फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? कॉज ऑफ एक्स। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 को समराइज हम करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर, कि कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अगर कोई आपसे पूछे कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का क्या लगता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। जबकि आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन एक्स कॉस एक्स के लिए क्या होगा, तो याद रखिएगा साइन एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स जो है वो वाई का लॉगरिथम होता है, और वाई जो है वो एक्स का एंटी लॉगरिथम होता है। तो इसी तरह कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा, और वापस साइन एक्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, आपने सोचना है कि भाई वो कौन सा फंक्शन है, एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो आंसर मेरे पास आ जाए इक्वल टू कॉट एक्स। यही पूछा गया ना कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, जैसे व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स होगा। अब यहां उसने कॉट एक्स पूछा है, तो यहां कॉट एक्स लिखे और ये फाइंड करें कि कौन सा होगा। अब इन सारे गिवन ऑप्शन को नंबर वन आप बैक सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेटिव लो, तो आप देखो बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। दूसरी बात, ये तो आपने कंसेप्ट यूज किया। दूसरी बात, एक फॉर्मूला पहली स्लाइड में पढ़ा था, सेकंड फॉर्मूला यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअली वो पूछ रहे हैं कि कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या है। इन अदर वर्ड्स, जोन सा मेथड आपको ईजी लगता है आपने वो फॉलो करना है। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जरा एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ये स्टडी कर लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अगर देखें बेटा, आपके पास एक फ्रैक्शन हो सच दैट के डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन की होल पावर वन हो, क्या हो? होल पावर वन हो, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल हो, तो इनकी जो रेशियो है उसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपने नेचुरल लॉग लिखना होता है ओरिजिनल फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आता है। अब आप देखें जरा, यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में देखें ना जरा आप इसको, ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर में आके वन ओवर एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब आप जरा देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वन आ जाएगा। तो अब आप देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या है, फ्रैक्शन है आपके पास, डिनोमिनेटर में एक्स फंक्शन है, न्यूमिरेटर में इसका डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कौन से ऑप्शन में है? डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर फोर, यहां पे भी एंटी डेरिवेटिव का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने यूं देखना है जरा इंटीग्रेशन के चैप्टर में कि चैप्टर नंबर टू में आप लोगों ने याद किया था कि व्हाट वाज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आपने वहां स्टडी किया था कि एंगल के डेरिवेटिव को हम स्क्वेयर रूट ऑफ वन माइनस एंगल स्क्वेयर पे डिवाइड किया करते थे। ये चैप्टर टू का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, और अगर चैप्टर टू के फॉर्मूलाज के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है तो फिर चैप्टर नंबर थ्री पढ़ना बिल्कुल फजूल है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। चैप्टर नंबर टू के फॉर्मूलाज पे आपकी स्ट्रांग ग्रिप और होल्ड होना चाहिए। तो अब आप देखें जरा, इसको हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। एक सेकेंड, मैं जरा ये इक्वालिटी साइन को एडजस्ट कर लूं। इंटीग्रेट कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इसे भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो याद रखिएगा, ये डेरिवेटिव साइन और इंटीग्रेशन साइन एक दूसरे के एंटी प्रोसेसेस होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो ये देखिए, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था डायरेक्ट उसका आंसर नहीं आ गया आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो वो यहां पे मेंशन नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, जीरो भी हो सकता था वो। तो बहरहाल चैप्टर टू का फॉर्मूला देखिए, आपने याद किया तो ऑटोमेटिकली वहां से आपको आंसर पता चल गया कि इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। एमसीक्यू नंबर फाइव के अंदर एक और फॉर्मूला यूज होगा, पावर रूल है इंटीग्रेशन का। देखें, आपने एक पावर रूल चैप्टर टू में भी पढ़ा था, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले आपने सोचना है कि ये जो कंडीशन है, ये जो क्वेश्चन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें चैप्टर टू की बात हो रही है या चैप्टर थ्री की बात हो रही है। इंटीग्रेशन साइन आपको ये देखिए नजर आ गए यहाँ पे, तो पता चला कि ये चैप्टर थ्री की बात हो रही है। अब आप देखें जरा, एक इंटीग्रेशन अगर आपके पास इस शक्ल में मौजूद हो कि कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद हो, ठीक है, अगर एक फंक्शन की अपने डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो गई है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको इंटीग्रेट करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन की होल पावर में आपके पास, यहां पे ना एक और बात हम देख लेते हैं, किसी फंक्शन एफ की पावर एन गिवन हो और पीछे उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपने फंक्शन की गिवन पावर में वन ऐड करना है और जो न्यू रिजल्टिंग पावर बनेगी एन प्लस वन उसके ऊपर डिवाइड भी कर देना है। तो ये है आपका पावर रूल। अब आप देखें इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। चैप्टर टू में आपने पढ़ा था कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, तो ये पीछे अवेलेबल नहीं है। आप देखें टेन एक्स अवेलेबल है, इसकी होल पावर 1 है यानी n इज इक्वल टू 1, पीछे इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है सीकेंट स्क्वेयर ऑफ x, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसकी इंटीग्रेशन होगी tan x की पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने से जो रिजल्टिंग पावर बनती है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 1 बाय 2 tan x होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर को एंगल से पहले मौजूद लास्ट अल्फाबेट के ऊपर लिखना होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6, देखें यहां पे आपके पास ये थोड़ा सा शायद आपको न्यू कंसेप्ट लगे कि इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। इसका भी मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, जो छोटे वाला नंबर होगा दोनों में से उसको हम लोअर लिमिट कहेंगे, और इसको इंटीग्रेशन साइन के नीचे वाली जगह पे होना चाहिए, और ये जो ऊपर बड़ा नंबर होगा इसको हम कहेंगे अपर लिमिट, ठीक है। और जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन होती है तो ऐसे इंटीग्रल को हम डेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड नंबर की शक्ल में आता है। तो सबसे पहले वही रूल है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रल क्या होता है, कॉस एक्स। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको इन केस ऑफ दिस डेफिनाइट इंटीग्रल। और साथ हम इसके साथ ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देते हैं कि हमने अभी लिमिट भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहता है कि सबसे पहले आपने x को अपर लिमिट के साथ रिप्लेस करना है, तो ये cos ऑफ पाई हो जाएगा, फिर आपने
इस cos को जो है लोअर लिमिट के साथ रिप्लेस करना है और इन दोनों रिजल्ट्स को माइनस कर देना है, डिफरेंस ले लेना है। तो आप देखें जरा क्या आंसर आ जाएगा। cos पाई की वैल्यू होती है नेगेटिव वन, cos इवन फंक्शन है तो पाई के अंदर नेगेटिव को एब्सॉर्ब कर जाएगा, तो दोबारा से cos पाई बना, उसकी वैल्यू होती है माइनस वन। तो अब इसको केयरफुली आपने सॉल्व करने, बारीक बीनी वाली छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं। आप देखें जरा माइनस वन और प्लस वन का आंसर आ गया जीरो, और जीरो मल्टीप्लाइड में माइनस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द फाइनल आंसर, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर सेवन, दोबारा से फिर जैसे प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा, एक डेफिनाइट इंटीग्रल गिवन है, तो ये के जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, एक्स से डिफरेंट जो अल्फाबेट है उसको कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। तो के को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बाहर निकाला और जीरो टू के बाय टू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है कि दिस इज इक्वल टू फोर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आप जानते हैं कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, और साथ में हम ये लिमिट भी मेंशन कर देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपको बताया, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन के अंदर यहाँ पे एंगल है एक्स, इसको सबसे पहले आपने बड़े नंबर से ऊपर वाले नंबर से रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ के बाई टू, फिर आपने इसको लोअर नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है, पुट रिप्लेस करना है, तो साइन ऑफ जीरो हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दिए, तो अब इन दोनों जगहों पे नंबर्स को मेंशन नहीं किया जाएगा, तो साइन के बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आई एम सॉरी, ये के बाय टू नहीं है, ये ऊपर पाई बाय टू है। ठीक है, यहां पे ना ये पाई बाय टू है, लेट मी करेक्ट दिस, ये पाई बाय टू है, के नहीं है। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसको आप याद कर लीजिए। तो और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, तो वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, तो के वन जर के इक्वल टू फोर आ जाएगा। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर एट, जीरो टू पाई कॉस ऑफ एक्स, तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखें इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स और साथ इसके लिमिट आ जाएगी जीरो टू पाई। फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हम सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे, उसके लिए x को हम रिप्लेस करेंगे पाई के साथ, माइनस हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके लिए x को रिप्लेस करेंगे जीरो के साथ। तो एज ए रिजल्ट साइन पाई की वैल्यू आपको याद होगी जीरो होती है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। देखें ऐसी इक्वेशन के जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आपके कोर्स में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बड़ा आसान है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है कि y और x को एक दूसरे से आपने बिल्कुल स्प्लिट और सेपरेट और जुदा करना है। तो ऐसा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ y को कंटेन करने वाली टर्म्स अवेलेबल करवानी है और राइट साइड पर सिर्फ x वाली टर्म्स हो। तो इस पर्पस के लिए आप देखें, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं गिवन इक्वेशन इज dy by dx equals negative y। आप कह लें याद रखने के लिए कि शिफ्टिंग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, y जो है वो इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और dx राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने शफल कर दिया y और dx की पोजीशन को। फिर अब आपने लिखना है इंटीग्रेट बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी और राइट साइड पर इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे पीछे हमने फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ा था, इसकी लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन बनती है नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है, और यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगी x। dx की इंटीग्रेशन x होती है, dy की इंटीग्रेशन y होती है, dz की इंटीग्रेशन z होगी और साथ में जो है आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखना, जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ नेचुरल लॉग आएगा तो कांस्टेंट के साथ भी आपने नेचुरल लॉग मेंशन करना है। तो अब आप क्या करें कि नेचुरल लॉग ऑफ c जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आकर माइनस होगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर दो एंटी लॉगरिथम्स के अगर दो नंबर्स के लॉगरिथम्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो उनके एंटी लॉगरिथम्स की रेशियो ली जाती है, ऐसे डिवीजन लॉ जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना, लॉग ऑफ ए माइनस
log of b equals what? log of a divided by log of a divided by b. तो ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू माइनस x. अब इसको आपने एंटी लॉग लेने हैं दोनों साइड्स पे, आप लिख सकते हैं अप्लाई एंटी लॉग. तो एंटी लॉग कैसे अप्लाई करना होता है, इसके अंदर से लॉगरिथम को खत्म कर देते हैं और राइट साइड पे जो कुछ भी होता है उसको e की पावर में ऊपर चढ़ा देते हैं हम ऐसे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y विल बी इक्वल टू c टाइम्स e पावर माइनस x. तो यही बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इस लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपसे पूछी गई है. तो ये हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. इसको याद रखने का एक तरीका होता है फ्रॉम चैप्टर नंबर टू. आप देखें जरा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स. कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. तो आप इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉस एक्स एंड यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और नेगेटिव साइड नेगेटिव से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स.